बैंक खाते में नहीं है एक भी रुपया, तब भी यूपीआई से भेज सकेंगे आप पैसा। डिजिटल दुनिया का बड़ा बदलाव, बिना पैसे भी पैसा भेजना होगा संभव। यही नहीं, अब हेलो यूपीआई बोलकर भेज सकेंगे रुपया, बोलकर यूपीआई होगा नियंत्रित। एटीएम से भी मिलेगा यूपीआई से कैश, एक के बाद एक बड़े बदलाव से बदल जाएगी भारत के बाजार की सूरत। अभी दो दिन पहले ही आपने जाना कि भारत के एक सरकारी बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा ने एटीएम में यूपीआई से कैश निकालने की सुविधा दे दी है। वहीं अब एक और डिजिटल खुशी आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है, यह है कि अब बिना एक भी रुपया बैंक खाते में रहे भी आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकेंगे, यानी रुपये भेज सकेंगे। यही नहीं, कई ऐसे लोग थे जिन्हें यूपीआई चलाने में दिक्कत आया करती थी, उनके लिए बोलकर यूपीआई चलाने वाला सिस्टम भी आ गया है। जैसे हेलो गूगल बोलकर गूगल पर आप बोलकर कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार हेलो यूपीआई बोलकर आप यूपीआई अपनी आवाज में चला सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं यूपीआई 500 रुपये उस आदमी को भेज दो, बस फिर पिन डालना है और 500 रुपये बोले गए व्यक्ति के पास चला जाएगा। वहीं बिना खाते में रुपये रहे ट्रांजैक्शन कैसे होगा, ये भी पहले उदाहरण से समझिए, फिर विस्तार से इस बारे में बताएंगे। मान लीजिए आपके खाते में रुपये नहीं है, आपको बिजली बिल, बच्चे की स्कूल फीस या किसी से उधार लिया रुपया भेजना है, तो आप यूपीआई के माध्यम से भेज सकते हैं, बिल्कुल बैंक के क्रेडिट कार्ड की तरह, क्योंकि अब यूपीआई भी क्रेडिट सिस्टम शुरू करने जा रही है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई सिस्टम में लेन देन के लिए बैंकों द्वारा जारी प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन को मंजूरी दे दी है। आरबीआई की मंजूरी मिलते ही बैंक यूपीआई में लेन देन के लिए प्री अप्रूव्ड लोन सर्विस जोड़ देगी, इससे बैंक ग्राहक खाते में पैसा नहीं होने पर भुगतान करने के लिए सक्षम होंगे। यूपीआई क्रेडिट दरअसल एक लोन जैसा होगा, जैसे क्रेडिट कार्ड से लेकर ग्राहकों को समय रहते बैंक में राशि जमा करनी होती है, वैसे यूपीआई में भी करना होगा। इसके तहत प्री अप्रूव्ड लोन में से जितनी राशि आप खर्च करेंगे उतने पर बैंक आपसे ब्याज वसूलेगा। बता दें यूपीआई क्रेडिट लाइन के तहत बैंक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और प्रोफाइल देखते हुए कर्ज की सीमा तय करेगी, इस कारण हर व्यक्ति के लिए ये सीमा अलग अलग हो सकती है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए ग्राहकों को अपने बैंक में आवेदन देना होगा, जैसे क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं उसी प्रकार यूपीआई क्रेडिट लाइन के लिए बैंकों में आवेदन करना होगा। यूपीआई सहित लाइन को लेकर कहा जा रहा है आरबीआई से मंजूरी मिलने के बाद जल्दी ये सुविधा अधिकांश सरकारी और निजी बैंक शुरू कर सकते हैं। इंडिया डिजिटल बहुत हद तक हो गया है और अब ऐसे बदलाव के बाद हर व्यक्ति के पास अपना यूपीआई होगा। झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय दे रहा है घर बैठे पढ़ने का मौका। अब डिस्टेंस एजुकेशन का विकल्प आपके शहर गोड्डा में हो गया है उपलब्ध। करते हैं नौकरी और चाहते हैं पढ़ना, या हाउसवाइफ महिलाएं पढ़ना चाहती हैं आगे, तो पहुंच जाइए नवप्रभात इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में, जहां आईटी फील्ड से लेकर मैनेजमेंट तक में मिलेगा पढ़ाई का मौका। जाना चाहते हैं किसी भी फील्ड में तो करिए डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स, जीवन में मिलेगा हाइक और करियर होगा ब्राइट। डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स है उपलब्ध, जल्द ही शुरू होगा स्नातक और पारा स्नातक पाठ्यक्रम। हमारा कार्यालय है गंगकोड्डा, झारखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त।